बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ जमील अवान और आप देख रहे हैं माई लाइफ चैनल। अच्छा जी, मलक रजमत साहब का डेरा है, तो पुराने जो सब्सक्राइबर हैं हमारे वो तो ये वीडियो शायद देख चुके होंगे, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं जी, तो काफ़ी सारे जी रोज़ाना ही एक दो भाई सवाल करते हैं जी कि इस बीमारी के बारे में, ये जो जानवर को पार आ जाता है, इसके बारे में आप बताएं कि इसका क्या इलाज किया जाए। तो वीडियो हमने बनाई हुई थी, तो लेकिन बहुत पहले जी नीचे, शायद बहुत नीचे दब गई थी, तो ऐसी वीडियो हम सवालों वाली एक आध रिपीट कभी कभी करते रहा करेंगे जी, जिससे आपको नए सब्सक्राइबर को फ़ायदा हो। ठीक है जी, तो जो पुराने हैं बेशक स्किप करके जा सकते हैं। दुआएं देखते हैं जी, फिर आपको बताते हैं इसका क्या इलाज। कुछ भाइयों ने कमेंट्स में सवालात किए थे मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में, जिसमें सबसे जो अहम है जी वो जो डंगर को, माल मवेशी को पार जिसे कहते हैं ना जी अपनी जबान में, जैसा पार असी आखने हैं, तो वो जो है ना जी उस बीमारी का क्या इलाज है और उसको कैसे कवर किया जाता है, और उसका कवर करने के बाद फिर उसको क्या दिया जाता है, वो हम मलक साहब से पूछते हैं जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा मलक साहब, पहले तो लोगों ने आपको, बहुत से भाइयों ने सलाम कहा है जी। वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला सलामत रखे जी सबको। तो अब ये जो बीमारी का लोग पूछ रहे हैं जी, पार ये क्या होता है और ये इसको कैसे कवर किया जाता है, उसका इलाज क्या है जी, इस बारे में थोड़ा। हाँ, मैंने भी वो कमेंट्स में देखे थे और मैंने उसी वक्त नीयत की थी कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ये बड़ी अहम चीज़ है जी। इस वक्त जो भैंस है वो 2.5 से 5 लाख तक की कीमत है, और खुदा न ख्वास्ता इससे हादसे में किसी की वो भैंस ज़ाया हो जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसमें मैं अपना एक ज़ाती तजर्बा कह लें वो इंशाल्लाह आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इसको आप ख़ुद भी समझ लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि किसी का माल बच जाए और उसको सुकून मिल जाए, तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जो भी वीडियो आप देखते हैं आपको पसंद आती है, तो वो अपने दोस्तों को, किसी की आखरत बन जाए, किसी की दुनिया बन जाए, तो अल्लाह ताला हमारा भी वो ज़रिया बना देंगे बख्शिश का। तो इसके लिए आप, इस वक्त मेरे पास कोई ऐसी भैंस मौजूद नहीं है, गाय मौजूद नहीं है जिसका कि वो वज़न बाहर आया हुआ हो। ठीक है जी, ताकि मैं उसको आपको पूरा तरीके कार समझाऊं। इसमें सबसे पहले ये है कि आपने नॉर्मल रहना है, वासबाखता नहीं होना है, खौफ नहीं करना है। अल्लाह ताला ने कोई बीमारी भी ऐसी नहीं भेजी है जिसका इलाज ना हो, तो ये है कि मुतमिन रहें। कम अज़ कम इसके लिए दो बंदे आपको चाहिए होंगे। ठीक है जी, ठीक हो। और आप फ़र्ज़ करें कि ये उसका ओंस या बार जिसे कहते हैं वो निकला है, ठीक है जी, तो इसके लिए आप सबसे पहले नीम गर्म पानी कर लें। सही हो, ठीक है, एक लोटा पानी का गर्म कर लें, ठीक है, उसमें फटकड़ी मिला लें एक चम्मच या थोड़ी ज़्यादा, उसमें हल करके तो इसको पहले धोना है हमने, ठीक हो, ठीक है जी, सही हो। इसको धोने के बाद आप एक तौलिया लें, ये जो वज़न निकला हुआ था इसको धोना है हमने, जी इसको धोना है, और ये आप समझें कि ये वो वज़न है जो किसी भैंस ने ये गाय निकाला है, ठीक हो गया। तो इसको एक तौलिए की मदद से इस तरह से आपने लपेटा है और इसको इस तरह आपने करना है, ठीक है जी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिकुड़ रहा है, इसमें से खून निकलेगा, पानी निकलेगा, सही है, हवा है उसमें वो निकलेगी और ये सिकुड़ जाएगा, ठीक हो गया। ये जब सिकुड़ जाएगा तो फिर इसको आप आसानी से वापस अंदर कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं हाथ से, ठीक है जी, हाथ से कर सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। नंबर दो, अगर आपके पास फौरी तौर पे अवेलेबल है आप कर सकते हैं, तो एक तकरीबन 2.5 से 3 फुट चौड़ा, ठीक, और इतना ही तकरीबन गहरा, अच्छा, एक गड़ा बना लें, गड़ा बना लें, अगले पांव जानवर के उसमें रखें, ठीक हो गया, तो फिर ये आसानी के साथ एक बंदा भी इसको अंदर कर सकता, वरना इसको जिन लोगों ने देखा है या जिनको पता है वो जानते हैं कि 10 बंदे भी इसको अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक, ये अल्लाह का एक निज़ाम है, उसमें हवा और इतना फूल जाता है वो बड़ा मुश्किल होता है, नहीं कर सकते। सबसे पहले तौलियों की मदद से हमने इसको पहले धोया है, फिर तौलियों की मदद से हमने इसको
सुकेड़ा है, ठीक हो गया, सुकड़ गया है, अगले पांव किसी गड़े में जनवार के रख के तो इसको अंदर कर सकते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया, ये अंदर हो गया, सही हो गया, ठीक है जी। अब इसको छोड़ दें जी, इधर आओ। अब मरहला आ जाएगा जो लोग छेक लगाते हैं, ठीक है जी, ठीक हो गया। अक्सर लोगों को उन्होंने जनवार भी रखे हुए हैं इतने कीमती कीमती, लेकिन फिर बंदों के पीछे भागते हैं कि हमें छेक बना कर दें जी, कोई बंदा घर पे नहीं है, कोई इधर उधर गया हुआ है। तो ये आपको तकरीबन 10 से 12 मीटर रस्सी चाहिए होगी, ठीक हो गया। ये हमेशा अपने घर में रखें और सूतर की रस्सी रखें, नरम रस्सी रखें, ठीक हो गया। प्लास्टिक वाली रस्सी या प्लास्टिक वो नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, उससे जानवर पे जख्म आएंगे। सही है, कल को जानवर बेचना भी है तो फिर सामने जख्म जो नजर आएंगे, ठीक हो गए, तो उसके जो है ना फिर वो नुकसान होगा, वो जानवर बिकेगा नहीं, उसके निशान नजर आएंगे। बराबर हो गई जी, इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ, बस छोड़ो ये उठो, खोलो मंजी, छोड़ ना, खोलो एक पास छोड़ दे, बस छोड़ दे, हटो सब इसे कर लिया। ये देखें जी, रस्सी को बराबर कर लें, इस हम लोग खुरको जरिए सिरे दे खुरको से, ये आपने डबल रस्सी इसके गले में मैंने डाल दिया जी, सही हो गया। इतो एक कपड़ा बांधो, एक लेयर छोटी सी, ये चीज़ जहन पे रखें, ये जो हड्डी होगी, ठीक हो गया, इस पे गांठ ना आए, कोई गिरा ना आए, उससे पीछे आए, उससे पीछे आए कि ये जो हड्डी पे गिरा आएगी उससे निशान आ जाएगा हड्डी पे, और ये जानवर जो है ना वो सारी ज़िंदगी के लिए, ये मैं आपको ऐसे तजर्बे के लिए एक चीज़ कर रहा हूँ, तो ये मैंने कपड़े की मदद से इसको मजबूत यहाँ से हड्डी से बाहर बांध देना है, ठीक हो गया। अगली ये फिर हड्डियाँ आ जाती हैं तीन भैंस की, अगर आपको नज़र आ रही है जी, बिल्कुल हो गया। हमने इन हड्डियों से पहले एक कपड़ा फिर बांध दिया है, फिर ऊपर बांध दिया, ठीक हो गया जी, सही हो गया। ये हमने एक कपड़ा फिर बांध दिया है ये आपके उसके लिए, ये हड्डी भी कवर हो गई जी, हड्डी बच गई है जी, इससे आगे ये हड्डी ख़त्म हो रही है, दम शुरू हो रहा है, ठीक है, इधर से फिर बांध, ठीक है जी, इधर से फिर हमने इसको बांध दिया है। इसको बांधने के बाद इसमें हम इसका दम डालेंगे। अब हमने दम को भी यहां से बांध देना है, ठीक हो गया, ठीक है जी, ताकि रस्सी आगे पीछे ना जाए, और हमारा जो असल मकसद इससे आगे है वो कवर हो जाए, ठीक हो गया। ये रस्सी यहां पे बांधी है जी, अब नहीं इसमें नहीं लेना, ये देखें इसका एक अंदाज़ा करके ना हमने एक रस्सी उधर बांध दी है, ये कपड़े की अगर नरम हो तो ज़्यादा बेहतर है कि इससे जानवर पे निशान नहीं आएंगे, सही हो गया, ठीक हो गया जी। ये इसको बांधने के बाद एक रस्सी ले लो जी, टांगों के नीचे से निकाल, एक रस्सी दाईं टांग के अंदर और एक बाईं टांग के अंदर करके इधर हमने इसको एक गिरा मामूली सी लगा दी है, ठीक हो गया, ठीक है जी। ये फालतू रस्सी रह गई है, इसको हम इधर रखते हैं। अब ये जो हमने दम के नीचे और ये खीरी सी ऊपर गिरा लगाई है, ठीक है जी, इसमें इसकी जो ये जगह है जहाँ से बाहर के आने का ख़तरा है वो इसमें डाल देंगे, ठीक हो गया, ठीक है जी, सही हो गया। ये अब हो गया जनाब मुकम्मल, अगर जानवर सुआ हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है, सही है, इसको ऐसी दुआ है कि इसमें से वो बच्चा दे सकता है, ठीक, लेकिन इसका बाहर वजन ओस ये बाहर नहीं निकालेगी, ठीक, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला ये आप इसका कर लें, इसको बनाने का तरीका दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ तक तो हो गई बात, ये इसको कवर करने की, सुए से पहले लगाना है ना कि बिल्कुल पहले लगाने हैं, खतरा उसी वक्त ज्यादा होता है, पहले भी और बाद में, ठीक हो गया जी। कम से कम 2-3 दिन तक इसके खतरात रहते हैं, ठीक है, ये बांधा रहे, ये बांधा रहे, ठीक है जी। सूआ हुआ नहीं है, इसमें सू सकता है, वो अल्लाह की मेहरबानी से कोई परेशानी नहीं होगी, सही हो, लेकिन उसके बाद भी एहतियातन ये
آپ نے کرنا ہے، دو تین دن تک لگا رہنے دیں، لگا رہنے دیں، ٹھیک ہے جی، جب آپ کو تسلی ہو جائے تو پھر اس کو بے شک اتار دیں۔ یہاں تک ہو گیا اس کا طریقہ کار، اس کا چھک ڈالنے کا۔ اب آتے ہیں جناب اس کے علاج کی طرف۔ اچھا، اس کا جدید دور ہے، بے شمار ڈاکٹرز موجود ہیں، انجیکشن موجود ہیں، دوائیں موجود ہیں، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، وہ آپ قریبی بھی، کیونکہ میں یہاں سے جو بتاؤں گا خدا نخواستہ ریئیکشن کر گیا، جی جی، آپ کے علاقے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے، تو پھر آپ مجھے رب اللہ کہیں گے، قریبی ڈاکٹر سے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو مفت علاج بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ آپ انار گھر میں لے کے آئیں، صحیح، اپنے بچوں کو اس کے دانے کھلائیں، خود کھائیں، اس کے چھلکے کو سنبھال کے رکھیں۔ اگر زمیندار کوئی بھی ہے، اس کے گھر میں چھلکا نہیں ہے، تو پنساری سے بھی مل سکتا ہے، اور سستا ملتا ہے۔ یہ لوگ جوس بنا کے بیچ رہے ہیں، چھلکے وہ پھینک دیتے ہیں، ان کو اٹھا لیں، خشک کر کے گھر میں رکھ لیں، جس گھر میں بھی جانور ہیں وہ چھلکے رکھ لیں، ان کو پیس کر کسی اخبار کے کاغذ میں ڈال کے تقریباً آدھا پاؤ بھینس کے لیے اس کو کھلا دیں، روزانہ کھلائیں، تو انشاءاللہ یہ اونس نہیں آئے گا۔ کتنے دن تک کھلانے ہیں؟ یہ سونے سے تین دن بعد تک بھی کھلائیں۔ ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کو کھلائیں، مفت علاج ہے۔ اچھا، نہ پہلے آئے گا نہ بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے، تین دن سونے سے پہلے بھی کھلائیں، جس کو آتا ہے اس کو شروع کر دیں۔ ٹھیک ہو گئے، جس کو آپ کو شک شبہ ہے، بعض کا آٹھویں مہینے میں شروع ہو جاتا ہے آنا، ساتویں میں شروع ہو جاتا ہے، نو میں شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو کھلانا شروع کر دیں، شروع کر دیں، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا، کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اندر سے گرمی کو یہ ختم کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ اونس نہیں آئے گا، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، ہاں، یہ انشاءاللہ بس ہمارے لیے دعا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مزید آپ نے کوئی کمنٹس کیے جو میرے علم نالج میں بات ہوئی، تو میں اپنا تجربہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اسی طرح چھک بنانی ہے، اسی طرح آپ نے وہ اس کو دینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے نا وہ موت کے منہ میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی طرف سے نقصان آپ کا مقصود نہ ہوگا تو یہ نقصان نہیں ہوگا، آپ کا جانور بچ جائے گا، اور ہمارے لیے دعا کر دینا جی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ اور بھی مزید بھی معلومات ہم ملک صاحب سے لیتے رہیں گے بیماریوں کے بارے میں۔ سات معاونین میں معاون میں شامل تھے جی محبوب اللہ خان، ٹھیک ہے، اور سہیل خان، سہیل خان جی، ٹھیک ہے، تو